सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत आफियत होंगे। दोस्तों, ये जो हमारे पास आज के 100 MCQs हैं, ये BPSC के एग्जाम में आ चुके हैं। ये पोस्ट के लिए आए थे 17 स्केल की, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर एग्जाम के अंदर ये आए थे, तो हम इस पेपर को आज सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, द शंदौर पास कनेक्ट्स चित्राल विद गिलगित स्वात मालम जब्बा कागान। तो इसका आंसर है ए, गिलगित के साथ कनेक्ट करती है। पराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका आंसर है बी, 1976 में। एंड द नेक्स्ट वन इज द टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन कोट मिथन। तो इसका आंसर है ए, नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, पराक्रम, हिंदुकश, सुलेमान रेंज। तो इसका आंसर है ए, हिमालय। एंड द नेक्स्ट वन इज रिवर काबुल जॉइंस इंडस रिवर नियर अटक, अटक के पास करता है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी, प्राइम मिनिस्टर होता है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ द पंजाब। जो पहला जो मुस्लिम गवर्नर था पंजाब का, वो सरदार अब्दुल रब निश्तर, मुश्ताक गौरमानी, फिरोज खान नून, इफ्तिखार हुसैन ममदूद। तो इसका आंसर है ए, सरदार अब्दुल रब निश्तर। एंड द 18 इज एट नंबर इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 7 मार्च 1949। तो इसका आंसर है बी, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नूरुल अमीन फजल हक फजल इलाही चौधरी, चौधरी जहूर इलाही। तो इसका आंसर है ए, नूरुल अमीन। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द पाकिस्तान इज 5 ईयर्स है। इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, प्रेजिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिजोल्व द असेंबलीज विद इन 48 आवर्स। तो इसका आंसर है बी, द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बेगम सलमा तसद्दक हुसैन, फातिमा जिना, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, बेगम जनारा शाहनवाज। तो इसका आंसर है डी, बेगम जहानारा शाहनवाज। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू द गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इसका आंसर है ए, अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो इसका आंसर है दोस्तों डी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। हब्बा खातून इज द फेमस पोइटिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज, कश्मीरी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। रिनाउंड अंडर राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय द प्रोफेशन वाज सिविल सर्वेंट, न्यूज कास्टर, बैंकर, पब्लिशर। तो इसका आंसर है सी, बैंकर थे। लॉरी पास कनेक्ट्स डेर विच चित्राल। तो इसका आंसर ए ही है, डेर विच चित्राल है। डॉक्टर रोज पफाव द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट विच डिजीज, क्लेरिया, लेप्रोसी। इसका आंसर बी है, लेप्रोसी। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021 टू 30 एज द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, द डिकेड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज, द डिकेड फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस, द डिकेड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर है ए, द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एंड 21 इज आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, टेक्सटाइल गारमेंट्स। पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो पैसे आ रहे हैं वो टेक्सटाइल से आ रहे हैं। द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय द गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अलामा इकबाल। तो इसका आंसर है सी, सरोजनी नायडू।
कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट्स राउलट एक्ट। इसका आंसर बी है दोस्तों, राउलट एक्ट के तहत दिया था। वेल्थ ऑफ द नेशन वॉज रिटन बाय द एडम स्मिथ, तो इसका आंसर ए है दोस्तों। द स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी वॉज गिवन टू यूएसए बाय द फ्रांस, तो इसका आंसर है डी। वाटर गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू टेररिज्म इशू, कैनाल वाटर इशू, स्पाइंग, तो इसका दोस्तों आंसर सी है, स्पाइंग इशू था। द आर्टिकल थ्री ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेट्स टू द हेल्थ, दोस्तों इसका आंसर हेल्थ है। द ट्रीटी ऑफ वर्सायलिस सेटल्ड पीस इन अफ्रीका, अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप, तो इसका आंसर दोस्तों डी है, यूरोप के अंदर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर द माल्टा कॉन्फ्रेंस, लंदन कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर है दोस्तों डी है, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, तो इसका आंसर ए है, अरुणाचल प्रदेश। द पोलिटिकल टर्म शेडो कैबिनेट स्टैंड फॉर, शेडो कैबिनेट दोस्तों अपोजिंग अपोजिट होती है, जो अपोजिशन जो होती है पार्टी को उसको कहते हैं। द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर स्पेशलाइज इन देयर फील्ड, ग्रुप ऑफ द स्पेशल क्रिटिसाइज इन द ऑफिशियल अपोजिटिंग पार्टी, दोस्तों ये इसका आंसर बी है, अपोजिटिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी। डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू यूएस चाइना ट्रेड, यूएस ईरान रिलेशन, यूएस रशियन रशिया रिलेशन, फलस्तीन इशू, दोस्तों इसका आंसर डी है, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान में जो इशू था इसको, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीस के लिए दी थी डील ऑफ सेंचुरी, इसको नाम दिया गया था। द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो इंडिया का लिखा हुआ है दोस्तों, इसका बी आंसर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ल्ड रेक्स स्टैंड फॉर द किंग, द क्राउन, द कोर्ट, द पार्लियामेंट, तो इसका आंसर है ए, द किंग। होचाई मिन वाज द लीडर ऑफ वियतनाम, लीडर ऑफ लॉस, लीडर ऑफ थाईलैंड, लीडर ऑफ जापान, तो इसका आंसर है ए, लीडर ऑफ वियतनाम। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज 12 न्यूटिकल माइल्स, 100 न्यूटिकल माइल्स, 250 न्यूटिकल माइल्स, 350 न्यूटिकल माइल्स, तो इसका आंसर है डी, 350 न्यूटिकल माइल्स। सोवियत यूनियन वॉज रिप्लेस्ड बाय द रशियन फेडरेशन इन अक्टूबर 1991, नवंबर 1991, दिसंबर 1991, जनवरी 1992, तो इसका आंसर है सी, दिसंबर 1991। सेटलमेंट ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ द बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द साइनोपैक रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेट्स रेंडर्ड हिज सर्विसेज टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट, मंजूर कादरी, आगा मोहम्मद रजा, जेड भुट्टो, मोहम्मद अली बोगरा, तो इसका आंसर है बी, आगा मोहम्मद रजा। क्योटो प्रोटोकॉल केम इन टू द फोर्स इन 2003, 2005, 2006, 2007, दोस्तों 2005 में आया था, तो इसका आंसर है बी। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, दोस्तों इसका आंसर सी है, कनाडा की मदद से किया था। द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 9th, ये 9th अमेंडमेंट के अंदर है, इसका आंसर ए है। कपास का फूल इज रिटन बाय कासमी, खदीजा मस्तूर, ये भी नहीं, सारा हुसैन मिंटू, यूनस बट, अहमद दीम कासमी, तो इसका आंसर ये डी है, अहमद दीम कासमी ने लिखा था कपास का फूल। होगो शेज वॉज द लीडर ऑफ द ब्राजील, क्यूबा, वेनेजुएला, हाइटी, तो इसका आंसर सी है दोस्तों, वेनेजुएला। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1915, 1917, 99, 1979, तो इसका आंसर 1917 है दोस्तों। जहांगीर खान वॉन स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स इन वर्ल्ड ओपन, ब्रिटिश ओपन, ओलंपिक्स, एशियन ओपन, तो इसका आंसर है बी, ब्रिटिश ओपन में। In 2018, German Chancellor Angela Merkel was sworn in for second time, third time, fourth time, fifth time. दोस्तों इसका आंसर है C, fourth time था। The World Water Day is celebrated every year on 22 March. दोस्तों इसका आंसर यही है। The India's current president is Pranab Mukherjee, B, Venkala Naidu, C, Pratibha Patel,
डी रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर दोस्तों डी है, इस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद है। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस? मतलब हुसैन सैयद, जफरुल्ला खान, पतरस बुखारी, अब्दुल हसन अशफानी। तो इसका आंसर दोस्तों डी है, 49 का, अब्दुल हसन अशफानी। एंड 50, जावर बिन हयान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन केमिस्ट्री। दोस्तों सबको पता है केमिस्ट्री के थे। इसका आंसर डी है, द पाकिस्तान साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने उसके नीचे काम किया था, आइंस्टाइन के नीचे, डॉक्टर सलीम मोहम्मद रजियुद्दीन सिद्दीकी। इसका आंसर दोस्तों बी है, मोहम्मद रजियुद्दीन सिद्दीकी। इंडिया रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन? 70% करता है। इसका आंसर सी है। व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? 1959, 1952, 1981, 1999। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, सी ऑफ डी ऑप्शन की तो समझ ही नहीं आती, 1989 कैसे हो गया, ये तो बहुत अभी सेंचुरी आई भी नहीं है। ओशन कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस? 70%, दोस्तों सबको पता है 70% पानी और 30% जमीन हमारी खुश्की। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? टोटल 15 मेंबर्स हैं दोस्तों इसके, 20, 5 परमानेंट हैं और 10 दूसरे हैं। सप्ताह इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एशियन नेशंस, अपेक नेशन, सार्क नेशन, यूरोपियन यूनियन नेशन। तो इसका दोस्तों आंसर सी है, सार्क नेशन है। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो दोस्तों है, जुपिटर, यूरेनस, मरकरी, वीनस। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, वीनस है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द पाकिस्तान? इज 1046 किलोमीटर दोस्तों। इसका आंसर बी है। डोम ऑफ रॉक रॉक इज लोकेटेड इन जेरोशिलम, लेबनानियन, जॉर्डन, इराक। तो दोस्तों इसका आंसर ए है, जेरोशिलम में है, जेरोशिलम। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दी सार्क? सार्क मुल्क के कितने मेंबर्स हैं, इसके अंदर कितने मुल्क हैं दोस्तों? इसके 8 हैं। तो इसका आंसर डी है। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूएनओ ने कितनी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल तौर पर कहा हुआ है दोस्तों? वो 6 लैंग्वेजेस हैं। इसका आंसर बी है। द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अरेबियन सी सहारा? दोस्तों वो सेकंड की बात कर रहा है, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, तो सहारा पे क्लिक नहीं करना, तो हम करेंगे अरेबियन पर। तो इसका आंसर दोस्तों अरेबियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो बाउंड्री विद सायरिया? शाम के साथ किसकी बाउंड्री मौजूद नहीं है दोस्तों? वो है ईरान की बाउंड्री है, ईरान की बाउंड्री। तो इसका आंसर दोस्तों है बी हमारे पास। द सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन 1929, 1935, 1937, 1947। दोस्तों इसका आंसर है 1935, डी आंसर है 64 का। वास्को द गामा वाज नेटिव ऑफ द पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली। तो इसका दोस्तों आंसर है पुर्तगाल, ए। एंड द 66, द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज? तरबेला डैम, वार्षिक डैम, मंगला डैम, स्वयं। तो इसका आंसर दोस्तों तरबेला डैम सबसे बड़ा डैम है। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? टूनिस, इजिप्ट, सायरिया, सूडान। तो इसका दोस्तों आंसर है टूनिस। टिम्बकटू इज द फेमस सिटी ऑफ माली, ये इसका दोस्तों आंसर ए है, माली। 3 जॉर्ज डैम इज लोकेटेड इन यूएसए, इंडिया, चाइना, कनाडा। दोस्तों 3 जॉर्ज डैम चाइना के अंदर, इसका आंसर सी है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जेनम इनकोड्स प्रोटीन? ऑलमोस्ट 2%, दोस्तों इसका आंसर ए है। इन द प्लांट सेल्स विच रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? कैल्विन साइकिल, फर्मेंटेशन, क्रेब साइकिल, डी कार्बोक्सिलेशन। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, कैल्विन साइकिल। स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय द नंबर ऑफ एक्टिव प्रोटीन्स पर सेकंड, दोस्तों इसका आंसर ए है। स्टिमुलस इंटेंसिटी जो डिटेक्ट करता है वो नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल पर सेकंड होता है। सिरोसिस इज अ डिसीज दैट इफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग? लीवर, किडनी, पेंसिलिस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों इसका आंसर ए है, ये लीवर का प्रॉब्लम होती है सिरोसिस।
अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज डैश ईयर्स ओल्ड, 4.5 बिलियन, नहीं ये मिलियन है, ये डोज डोज इसका आंसर सी है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुरानी है साइंस के मुताबिक। डैश मेकअप 40 to 17% ऑफ द स्केलेटन, 14 से 17% जो स्केलेटन बनता है हमारा वो फॉस्फोरस से बनता है दोस्तों, इसका आंसर है डी। द विटामिन डैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प एंजाइम्स इज विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, दोस्तों इसका आंसर विटामिन बी होता है ये। द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स इज डैश टाइम्स मोर देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, 4.25, 2.25, 3.25, 5.25, दोस्तों इसका आंसर बी है, 2.25। द मिल्क नीड्स टू बी हीट फॉर कंप्लीट पॉस्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड फॉर डैश सेकंड, 25 सेकंड, 15 सेकंड, 20 और 30 सेकंड, दोस्तों 15 सेकंड लगते हैं उसको बॉयल करने के लिए, पॉस्चराइज करने के लिए, 161 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गर्म रखें दूध को गर्म करने के लिए। विटामिन डैट इज प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, टोटो वो विटामिन जो बॉडी के अंदर बनता है फ्रूट्स में से नहीं मिलता, ये वेजिटेबल में से, तो दोस्तों वो है इसका B12 है, बी विटामिन B12 बी आंसर है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडायवर्सिटी देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, टंड्रा, कोल्ड टेम्परेचर, तो इसका आंसर दोस्तों ए है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रॉक्स डैट कंटेन फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, दोस्तों ये 9th के अंदर भी था, इसका आंसर सी है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू द फेरोसिन, फेरियो, फ्लोरोसेंस, फेरियोन्स और पॉलीहाइड्रोजन, दोस्तों इसका आंसर है सी, फ्रियोन्स। डिफोरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व एट, जंगलों का खत्म होना जो बड़े स्केल पर देखा जा रहा है वो है अटलांटिक फॉरेस्ट, एमेजोन, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो जंगल हमारे पास होता है एमेजोन का है, तो वो एमेजोन फॉरेस्ट पे हो रहा है डिफोरेस्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स, प्लास्टिक, वुड और ऑर्गेनिक मटेरियल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम कई बार दोस्तों रिसाइकल कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी है। ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड रीराइटन आर आइडेंटिफाइड एज डीवीडी प्लस डब्ल्यू आर, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू, दोस्तों इसका आंसर बी है, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू। हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट, टाइम बर्नली, दोस्तों इसका आंसर सी है, टाइम बर्नली ने दिया था। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय बाय द ब्लेस पास्कल, दोस्तों इसका आंसर सी है। देर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इन टू अनदर, एम्बेडिंग एंड इम्पोर्टिंग भी नहीं, इंटीग्रेटिंग भी नहीं, लिंकिंग, दोस्तों ये इसका आंसर सी है, लिंकिंग। व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डायरेक्टरी डोमेन यू आर एल, दोस्तों ये यू आर एल, इसका आंसर भी सी है। द फंक्शन इज अ डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर प्रोग्राम, प्री डिफाइंड फार्मूला, सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दी, दोस्तों इसका आंसर भी है, प्री डिफाइंड फार्मूला होता है जो कि वैल्यूज को कैलकुलेट करता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर, डेट ऑफ बी एंड सी इज 32 ईयर एंड एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 34, द एज ऑफ सी इज 36 ईयर, दोस्तों इसका आंसर है डी सी, ठीक है, क्योंकि देखें आप ए प्लस जब आप बी करते हैं ना, करते हैं तो ओहो, तो ये आपका है, आता है 30 ईयर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो होता है दोस्तों नीचे 2 भी आता है, इसी तरह ही सारे होंगे बी प्लस सी, यहाँ बी और सी लिखेंगे नीचे तो 2 आ जाएगा, एवरेज एज जब सी और ए करेंगे 34 ईयर आ जाएगा, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, दोस्तों इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों की एक इक्वेशन ड्राइव होंगी, तीनों क्वेश्चन को जैसे ही ड्राइव होंगे आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 36 ईयर आएगा। एंड द 92 इज कंप्लीट द सीक्वेंस 6, 11, 27, तो दोस्तों ये जो प्रोग्रेशन हमारे पास गिवन है, अगर हम 6 और 11 के दरमियान में देखें तो 5 का हमारे पास प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है, ठीक है, तो
और जबकि 16 अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 16 रखते हैं, 16 और 11 के दरमियान लेके देखें तो कितना बनेगा, 5। ठीक है, तो इसके दरमियान में 5 का बनेगा, जब 16 और 17 के दरमियान में तो 5 का नहीं बनता। ठीक है, तो वो बन जाता है 7 और 11 का बनता है। ठीक है, 5 5 11, तो ये हमारे पास आंसर नहीं होगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है, अब 17 को यहाँ पे रख के देखते हैं, इनके दरमियान में 5 के डिफरेंस आ गया, 11 और 17 के दरमियान में हमारे कितना डिफरेंस आएगा, 6 के डिफरेंस, इधर 5 आ गया 6 और 11 के दरमियान में, जबकि इसके 11 और 17 के दरमियान 6 आ जाएगा, जबकि जबकि 17 और फिर 27 के दरमियान कितना आएगा, 7 और 7 और 3 10 10 का आएगा। तो दोस्तों 5 6 और 10 ये भी एक प्रोग्रेशन नहीं बनता, तो ये हमारा आंसर 17 भी नहीं होगा। तो अब 18 को यहाँ पे रख के देखते हैं, 6 और 11 के दरमियान हमारे 5 के डिफरेंस है, और 11 और 18 के दरमियान में हमारे कितना डिफरेंस आ गया, 7 के डिफरेंस। ठीक है, और जबकि 18 और 27 के दरमियान कितना डिफरेंस आएगा आपके पास, देखें 9 का आएगा। ठीक है, अब 5 और यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, जब 18 को रखते हैं तो यहाँ पर 7 आ रहता है, फिर उसके बाद 9 का डिफरेंस आ रहता है। ठीक है, इट मीन्स ये प्रोग्रेशन बनता है दो दो के डिफरेंस के। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो इसका आंसर है वो सी है दोस्तों, 18 आएगा यहाँ पे। इन एन अप्रोक्सीमेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपेयर्ड, 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द फेल परसेंटेज इज, जो दोस्तों फेल होते हैं बच्चे उसकी परसेंटेज कितनी होगी। दोस्तों देखें 1100 बच्चे हैं, ठीक है, तो 1100 बच्चों में से वो कहता है 50% पास हो रहे हैं, इट मीन्स के 550 जो है वो पास होते हैं, 550 फेल होते हैं, क्या 550 आ गया इसका, जबकि 900 जो गर्ल्स हैं ठीक है इसमें से 40% पास हो जाते हैं, जबकि के दूसरे 60% पास होते हैं, सॉरी 40% जो है वो गर्ल्स पास होती हैं, 60% फेल होती हैं। तो 550 इधर, और जो इसके जो 60% वो बनेंगे 540। ठीक है, जो 40% फेल होते हैं ना, यानी कि 40% पास हो गए हमारे पास बच्चे, ठीक है, ये हमारे पास पास हैं। ठीक है, जो कि 60% फेल हो जाएंगे। ठीक है, जो 60% हमारे पास बनता है ना, वो हमारे पास बनता है 540। ठीक है, आप 540 और 550 जो इसका आएगा, 1100 के में से जो 550 बच्चे फेल हुए, ठीक है, वो 550 और ये, आप इन दोनों को जमा करें, एक तो सही लिखा नहीं जा रहा मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये बन जाएगा 1090 बन जाते हैं। ठीक है, अब ये वो बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। ठीक है, 1090 तकसीम कर देंगे टोटल बच्चों पर, कितने हमारे पास हैं, 1100 प्लस 900, तो ये हमारे पास टोटल है जनाब मोहतरम 2000 बच्चे। ठीक है, और ज़रब कर देंगे इसको परसेंटेज में करने के लिए, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 54.5%। तो इसका आंसर दोस्तों ये आएगा, कंसिडर द वर्ड सेग्रीगेशन, चूज द वर्ड गिवन बिलो एट दैट रिवर्स द अपोजिट मीनिंग। सेग्रीगेशन का मतलब होता है दोस्तों अलहदगी। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं, अपोजिट हमने बताना है इसका। पहला एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन होता है तारीफ करना, तारीफ करना। कलेक्टिंग होता है जमा करना। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है एक साथ मिलाना, और यूनियन होता है इतिहाद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, इंटीग्रेशन। द स्केयर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड अ वेरियंस। दोस्तों इसका आंसर ए है। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लेक्टरेट्स आर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका आंसर भी ए है। ऑपरेशन जरबे अजब अंडर वेंट इन द फॉर्मर फाटा, अजब वाज द नेम ऑफ स्वॉर्ड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों इसका आंसर भी हमारे पास ए है। स्वॉर्ड स्टडी ऑफ द लाइफ इन आउटर स्पेस इज नाउन एंड एंडोबियोलॉजी, एक्सोबियोलॉजी, एंट्रोबियोलॉजी, नियोबियोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, एक्सोबियोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, एंड देयर एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान स्टडी करने का जो अमल है वो कौन सी जगह, वो इकोलॉजी है। दोस्तों इसका आंसर भी डी आएगा, इकोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, वाखन कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ दी पाकिस्तान। जो वक्खन कॉरिडोर है दोस्तों, ये नॉर्थ के में आता है पाकिस्तान के, तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो सी आएगा। दोस्तों आपको बताता चलो कि जो वक्खन कॉरिडोर है ठीक है, ये बेसिकली चाइना चाइना अफगानिस्तान के और क्या कहते हैं ताजिकिस्तान को ये अलग करती है। ठीक है, ताजिकिस्तान और कश्मीर के दरमियान में भी आती है। ठीक है, तो
जो कॉरिडोर की इसकी जो टोटल लेंथ है वो 350 किलोमीटर है, 220 माइल्स है लॉन्ग इसकी है, ठीक है, और 13 से 65 किलोमीटर इसकी जो है इसकी चौड़ाई है कॉरिडोर की। ये 1893 के दरमियान में ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान, ब्रिटिश इंडिया जब दौर था तब इसको ड्यूरम लाइन के साथ क्रिएट किया गया था 1893 के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 MCQs जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि ये पेपर में आ चुके हैं, ये PPSC के एग्जाम 17 स्केल की जॉब के लिए ये एग्जाम के अंदर ये पेपर था हमारा जो हमने सॉल्व कर चुके हैं 2020। दोस्तों हमारी आपकी ये काविश अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। तब तक दोबारा फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।